जालौन में शुक्रवार सुबह स्कूली बच्चों को ले जा रही तेज रफ्तार वैन खाई में पलट गई। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। वैन पलटने से दो दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिसमें तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को इलाज के लिए उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना कदौरा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास की है। थाना कदौरा क्षेत्र अंतर्गत डेफोडिल कॉन्वेंट स्कूल की मिनी बस रोज की भांति स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बड़ा गांव मोड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को उपचार हेतु सीएससी कदौरा ले जाया गया, जिनमें 7 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया था। मेरे द्वारा मेडिकल कॉलेज उरई में जाकर घायल बच्चों को देखा गया। चिकित्सक से वार्ता करने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सभी बच्चे सामान्य हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। चालक के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है।